मेरी ट्रस्ट के अंदर एम्बुलेंस सेवा चल रही थी, साथ ही साथ फ्री फूड चल रहा था 150 लोगों का, साथ ही साथ सैनिटरी पैड। लेकिन एक बड़े भाई से आज मुलाकात हुई है जो हादसा मिल चुका है, जिनका नाम दीपक जी है। उनको आपने इतना प्यार देना, इतना प्यार देना है कि भाई मज़ा आ जाना चाहिए, क्योंकि भैया कर रहे हैं देश के अंदर बहुत बड़ा कार्य। दीपक जी मेरे साथ खड़े हैं। दीपक भैया दिल से धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद। दिल्ली के अंदर 3 एम्बुलेंस चल रही है, जिसका मतलब कई लाखों लोगों के चेहरे पर खुशी आने वाली है और कई लोगों की दुआ आपका मिलने वाली है, क्योंकि एम्बुलेंस का जो आज के टाइम पे चार्ज है वो 4 से 5 हज़ार रुपये है। इसके चलते आपने बिल्कुल फ्री कर दिया। ये आपका बड़प्पन है और ये पता नहीं कौन सा पिछले जन्म का आपने कर्म कर रखे हैं, जो आपका ये मन कहता है कि भाई मेरे को पुण्य के काम ही करने हैं, पैसा नहीं कमाना, बस लोगों पे लगाना है। अब मैं तहलका भाई जी के साथ मिलके दिल्ली के अंदर एम्बुलेंस सेवा चलाने आता हूँ। अभी ये 3 है, ये 3 से 30 करनी है मुझे और तहलका भाई जी के साथ सहयोग करना है। तहलका भाई मेरे छोटे भाई जैसे हैं पर काम में बड़े हैं, तो मैं इनके साथ पूरा मिलकर दिल्ली और NCR में कवर करेंगे। दूसरी बड़ी बात, एक एम्बुलेंस ये खड़ी है, एक ये खड़ी है, एक ये खड़ी है। आप चाहते हो कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पे नहीं कर पाते हैं, आप घर बैठे बैठे, अगर आपको नहीं जाना किसी रैली में या किसी प्रोग्राम के अंदर, आप घर बैठे बैठे इस बार कोड पे डोनेशन दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं दिल खोलकर। क्योंकि देखो भाई, एक एम्बुलेंस बहुत महंगी आती है, 10 से 12 लाख 15 लाख रुपए की, और भाई सब ने 3 खड़ी कर रखी है। 25-25 लाख की है। अच्छा, 25-25 लाख की है। अरे 8 लाख की है वो, तो 25-25। अच्छा, 25-25 लाख रुपए की है। तो ये 25-25 लाख के भाई 2 प्लॉट भी ले सकते थे, अपनी बेटी की FD भी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा कार्य करा देश की जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्यारे भाई के लिए डोनेशन तो यहाँ बनता है, 1 रुपये 10 रुपये 100 रुपये जो आपको ठीक लगे यहाँ डोनेट कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच। और ये नंबर आ रहा, एम्बुलेंस के लिए किसी को नीड हो तो आप फोन करें। थैंक यू सो मच। के हमारे दिल्ली के एक छोटी सी उम्र के भाई ने समाज सेवा की तरफ इतने समर्पित होके तहलका मचा दिया। एक और तहलका देखो। तहलका भाई मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो आप समाज सेवा करते हो यही भगवान की सेवा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और कहते हैं ऊपर जाएंगे तो धर्म का हिसाब नहीं होगा, कर्म का हिसाब होगा। अच्छे इंसान बनो, तो ये कितने अच्छे इंसान है, ये इतने अच्छे इंसान बने हैं, ये माता रानी के परम भक्त हैं। एक बार सब मेरे साथ माता रानी का जयकारा लगाएंगे। जय माता दी, जय माता दी। आप सबके लिए सौभाग्य है, पश्चिम बिहार में तहलका भाई आए, बहुत बड़ी हस्ती आई, एक सेलिब्रिटी आए। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे उसके घर में। माइक तहलका भाई को देना चाहूंगा। उससे पहले मैं बता दूं सर, ये जीवन दीपक रथ फाउंडेशन की नींव रखी गई है बड़े भाई दीपक मदान जी द्वारा। एक एम्बुलेंस सेवा हमारे ब्लॉक की दीपक मदान जी चलाते थे पिछले 7 सालों से, फ्री सेवा चलती थी, कोई ड्राइवर नहीं रखा था, खुद चलाते थे। और कोरोना में 100 से 150 लावारिस लाशों का संस्कार किया और अभी तक कम से कम 1000 लाशों का संस्कार कर चुके हैं। इसी आज काफिले में 2 नई एम्बुलेंस जोड़ी गई है जो निःशुल्क चलेगी। आपका फोन आएगा, आप तो हमसे आगे बढ़ चढ़ के समाज सेवा में रहते हो, आप एक का मैसेज आएगा वहां पे भी एम्बुलेंस दौड़ के जाएगी और जितनों की जान बचा सकती है उतनों की जान बचाएगी, क्योंकि एक एक जान, माँ बाप भाई बहन बच्चा सब एक दूसरे के लिए बड़े कीमती है। मैं इसके लिए आपसे अनुरोध करूंगा कि दीपक मदान जी चुन्नी ओढ़ के स्वागत करेंगे, शर्मा जी तीनों मिलके तहलका भाई का स्वागत करेंगे, माता रानी की चुन्नी ओढ़ के, बुके देकर चंदर छाबड़ा जी तहलका भाई को माला पहना के स्वागत करेंगे, कपिल मल्होत्रा जी। तो शुरुआत मैंने करी 100 लोगों के खाने से और आज वो 150 तक पहुंच चुकी है आप सबके प्यार से। और आज ये लंगर मैंने आपके इलाके में लगाया, पीछे स्टार्ट होने वाला है, भोजन करके जाना आप, प्यार देके जाना, दुआ देके जाना आप। ये जो 150 लोगों की सेवा जल्दी 1000 तक मिलेगी आपको, मेरा आपसे वादा। तहलका भाई जिंदाबाद, 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 तहलका भाई जिंदाबाद। ये तहलका भाई की सेवा मैंने आपको बताया द्वारका में चलती है। तहलका भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एम्बुलेंस जो खड़ी है ये भी आपकी है। आप इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हो तो हमें उत्साह मिलता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, प्रोत्साहित होते हैं। तो ये पश्चिम बिहार भी आपका है, एक एक वॉलंटियर भी आपका है, एम्बुलेंस भी आपकी है, इनके द्वारा पुण्य का काम कर रहे हो आप। बहुत लोगों की दुआ लगने वाली है आपको, अभी से नहीं मेरे ख्याल से 6 साल से कर रहे हो आप। और जब मैंने आपके बारे में सुना तो मैंने 1 सेकंड लगाया कि मैं इस जगह पर जरूर आऊँगा। मेरे 2-3 प्रोग्राम थे मैंने कैंसिल करे, लव यू भैया। और सारे के सारे भाइयों ने जो इस इलाके के भैया को पूरा सपोर्ट करना है आपने, अगर आप इनको सपोर्ट करोगे तो ये बहुत आगे तक जाएंगे। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बंदा हो जाता निराश, तो आपने इनको निराश नहीं होने देना, मेरे से वादा करके जाओ। आप पूरा सपोर्ट करोगे दीपक भैया को, आप जान मारोगे, तहलका मचाओगे और हर नेक कार्य में ना बढ़ चढ़कर, चाहे आपका 10 रुपये देने का मन हो, 100 रुपये देने का मन हो, डोनेट जरूर किया करो, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। ये करके देखना एक बार आप। बहुत सारे लोग दारू में नशे में पड़े हुए हैं,
लेकिन वो ये सोचते नहीं कि भाई एक बार पुण्य का काम भी करना चाहिए, नए कार्य करके देखो, घर के सारे जितने भी काम है रुके हुए आपके सारे पूरे हो जाएंगे। और दीपक भैया जो कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ा काम है, ये मैं सोच रहा कि यार हमें तो इतना बड़ा काम नहीं करना आता, लेकिन आपका 10 रुपये भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो हर जगह जहाँ भी आपको लगे कि भाई पुण्य का काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कुछ योगदान देना चाहिए, तो दिया करो यार।